फिल्म की शुरुआत हमें जिसेल से परिचित कराती है, जो कभी अंडालुसिया के मंत्रमुग्ध कर देने वाले क्षेत्र में खुशी से रहती थी। उसके परीक्षा जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब उसे एक मुकुट राजकुमार से प्यार हो गया, जिसकी दुष्ट सौतेली माँ, एक चुड़ैल, ने उनके मिलन को रोकने के लिए उसे मानव दुनिया में भेज दिया। राजकुमार ने उसे बचाने के लिए बहादुरी से इस क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन जिसेल का सच्चा नायक रॉबर्ट नाम का एक दयालु वकील निकला। उनकी अपरंपरागत प्रेम कहानी खिल गई, जिससे शादी हुई और उनकी बेटी सोफी का जन्म हुआ। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी की वास्तविकताएं सामने आती जाती हैं। फिल्म मॉर्गन की किशोरावस्था पर ध्यान केंद्रित करती है, जो बढ़ती पीड़ा और तनावपूर्ण पारिवारिक गतिशीलता से चिन्हित अवधि है। गिजेले, जो अपनी सौतेली बेटी से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रही है, अपने परिवार को न्यूयॉर्क शहर की हलचल से मनरोविले के अनोखे शहर में उखाड़ फेंकने का फैसला करती है। इस आकर्षक नए स्थान में जिसे एक नई शुरुआत और अपने परिवार के भीतर मजबूत बंधन बनाने के अवसर की उम्मीद करती है। अपने जादुई पशु मित्रों को विदाई देते हुए जिसे रॉबर्ट, मॉर्गन और उनकी सबसे छोटी सोफी के साथ इस नए अध्याय की शुरुआत करती है। स्थिति की वास्तविकता जल्द ही सामने आ जाती है, क्योंकि उनका नया खरीदा हुआ घर अधूरा रहता है। मॉर्गन की हताशा बढ़ जाती है, जो इस परिवर्तन की चुनौतियों को उजागर करती है। गिजेले का संकी गायन, जो उसके अंडलुसियन अतीत की याद दिलाता है, आगे घर्षण का कारण बनता है, जिससे मॉर्गन को बहुत दुख होता है। मॉर्गन की आत्माओं को ऊपर उठाने के प्रयास में वे एक जादुई रूप से सजाए गए कमरे का अनावरण करते हैं, लेकिन अचानक शॉर्ट सर्किट एक विनाशकारी आग की ओर ले जाता है, जो मॉर्गन के सामान को भस्म कर देता है। अपनी असफलताओं के बावजूद गिजेल के स्वागत करने वाले पड़ोसी आशा की एक किरण पेश करते हैं, हालांकि मॉर्गन को उनके इरादों पर संदेह है। मोनरोविले में अपने पहले दिन के साथ परिवार एक बेहतर कल के लिए आशावाद के साथ सेवानिवृत्त होता है। फिर भी उनकी प्रारंभिक अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, जिससे वे उस जादू के लिए तरसते हैं जिसे वे एक बार जानते थे। जब चीजें सांसारिक लगती हैं, तो एक आश्चर्यजनक आगंतुक उभरता है। अंडालसिया का राजकुमार अपनी पत्नी के साथ गिसेल के नए निवास को देखने के लिए एक रहस्यमय पोर्टल के माध्यम से आता है। सोफी के जन्मदिन की पार्टी में जाने में असमर्थ सोफी के गॉड पेरेंट्स जिसेल और रॉबर्ट उसे एक विशेष उपहार देते हैं, अंडालसिया से एक अद्भुत इच्छा छड़ी। हालांकि मॉर्गन को बहुत जलन होती है और आप बता सकते हैं कि वो खुश नहीं है। जिसेल राजकुमार और उसकी पत्नी से मानव जगत में रहने और मॉर्गन की अवज्ञा से निपटने के उसके संघर्षों के बारे में बात करती है। राजकुमार गिसेल और उसकी क्षमताओं में विश्वास करता है, जिससे वो बेहतर और अधिक दृढ़ महसूस करती है। उसी समय रॉबर्ट को अपनी नई नौकरी में कठिनाई हो रही है और एक छोटे से शहर में रहने के लिए समायोजित करना मुश्किल हो रहा है। जिसेल मॉर्गन के साथ स्कूल जाती है और उसे एक परी कथा थीम वाली गेंद के बारे में पता चलता है, जिसे समुदाय की नेता मालवीना आयोजित कर रही है। गेंद शहर के राजकुमार या राजकुमारी का चयन करेगी और अभी वो उपाधि मालवीना के बेटे टायसन की है। मॉर्गन को गेंद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित होता है जब वो संयोग से टायसन से मिलती है और वे जुड़ने लगते हैं। जिसेल समुदाय में एकीकृत होने की आकांक्षा रखती है, नई दोस्ती बनाने की उम्मीद में मालवीना के साथ कॉफी साझा करती है। हालांकि मॉर्गन की उदासी गहरी हो जाती है, जो न्यूयॉर्क के विचारों से प्रेरित होती है। माँ और बेटी के बीच एक तनावपूर्ण टकराव होता है, क्योंकि मॉर्गन अपनी स्वतंत्रता का दावा करती है, जिससे गिसेल को अपने टूटे हुए रिश्ते को सुधारने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मॉर्गन को उसे स्कूल में आमंत्रित करने वाला एक नोट मिलता है, जहां गिसेल ने गेंद पर उसके नाम पर एक कपकेक की दुकान स्थापित की है। जिसेल के हाव भाव का उद्देश्य राजकुमारी की भूमिका के लिए मॉर्गन के नामांकन को सुरक्षित करना है। हालांकि मॉर्गन का गुस्सा उबल जाता है और वो भड़क उठती है, जिससे मालवीना की नाराजगी भड़क जाती है। योजना उल्टा पड़ जाती है, जिससे संघर्ष होता है और उम्मीदें टूट जाती हैं। जैसे जैसे रात पड़ती है और मॉर्गन अनुपस्थित रहता है, जिसेल और रॉबर्ट चिंतित होते जाते हैं। आखिरकार मॉर्गन लौटती है, ये खुलासा करते हुए कि उसने न्यूयॉर्क की एकल यात्रा शुरू की। गुस्सा भड़क जाता है और मॉर्गन और उसकी सौतेली माँ के बीच एक भावनात्मक दरार पैदा हो जाती है। तीव्र आदान प्रदान मॉर्गन के जाने के साथ समाप्त होता है, जिससे गिसेल और रॉबर्ट अपने गर्मागर्म टकराव के बाद से जूझ रहे होते हैं। शांतिपूर्ण बगीचे में गिसेल अंडालसिया में अपने सरल जीवन के बारे में सोचने लगती है। आश्चर्य की बात है कि वह अब अपने जटिल जीवन से विराम लेना चाहती है। विशेष रूप से उसके विचार एक पोर्टल के माध्यम से अंडालसिया पिप से उसकी प्यारी पुरानी गिलहरी लाते हैं और यह उसे खुश करता है।
अपनी सहज प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए, जिसे इच्छा की छड़ी का उपयोग करती है, एक परी कथा की तरह जीवन की कल्पना करती है जहां चीजें आसान होती हैं, लोग एक दूसरे को समझते हैं और कोई नियमित चिंता नहीं होती है। लेकिन जब रात पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो पिप के साथ सोने जाती है। उसे अनजाने में छड़ी के डिब्बे से एक नर्म रोशनी आती है, एक शांत संकेत कि कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह गिजेल ये जानने के लिए उठती है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। उसके आसपास की हर चीज एक जादुई दुनिया में बदल जाती है, जैसे कि एक कहानी की किताब में। रॉबर्ट और मॉर्गन अलग तरह से काम करते हैं और वे सभी एक खुशहाल परिवार हैं। पूरा शहर भी बदल गया है, एक परी कथा स्थल की तरह बन गया है। शहर की महत्वपूर्ण व्यक्ति मालवीना अब इस जादुई दुनिया की रानी है और वह त्योहार के दौरान सभी के आनंद लेने के लिए एक बड़ी गेंद की घोषणा करती है। लेकिन जादुई दृश्य बाधित हो जाता है जब रानी मालवीना देखती है कि सोफी के पास इच्छा की छड़ी है। इसके कारण कुछ अप्रत्याशित होता है और एक परिणाम सामने आता है। जिसेल एक रहस्यमय जादू से फंसी हुई दयालु होने से घटिया होने में बदल जाती है और वह रानी के लिए एक दुखद टिप्पणी छोड़ जाती है। उसके व्यवहार में यह अजीब बदलाव लोगों को संदिग्ध बनाता है, ये सुझाव देते हुए कि कोई छिपा हुआ विश्वासघात हो सकता है। रानी मालवीना हार नहीं मानती है और यह पता लगाने के लिए अपने जादू के दर्पण का उपयोग करती है कि क्या हो रहा है। वह गिजेले की नई शक्ति और प्रभाव के बारे में जानती है। ये देखकर कि छड़ी कितनी शक्तिशाली है, वह इसे लेने के लिए अपने एजेंटों को भेजती है। जब ये सब हो रहा होता है, जिसेल को अपनी बेटी मॉर्गन के साथ महत्वपूर्ण पल बिताने को मिलते हैं, जैसे वह चाहती थी। टाइसन में मॉर्गन की बढ़ती रुचि कहानी में और रुचि जोड़ती है। जब वह चीजों के बारे में सोच रही होती है, जिसेल को पता चलता है कि उसकी इच्छा ने एक आश्चर्यजनक मोड़ ले लिया है, वह पुरानी कहानियों की तरह एक बुरी सौतेली माँ में बदल गई है। भले ही पिप उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ये रहस्योद्घाटन उसे परेशान करता है। जैसे ही वह इस नई स्थिति से निपटती है, पिप खुद पारंपरिक परियों की कहानियों की तरह एक तरह की औसत बिल्ली में बदल जाती है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, सुर्खियां रॉबर्ट की ओर बढ़ती हैं, जिनकी नई जिम्मेदारी में शहर को ड्रैगन के खतरों से बचाना शामिल है। छड़ी के निर्देशों से निर्देशित होकर गिजेल अपनी परिवर्तनकारी इच्छा को उलटने का प्रयास करती है। हालांकि एक चौंका देने वाला रहस्योद्घाटन सामने आता है, इस इच्छा ने विशाल जादू को खा लिया है और दुनिया को बदलने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तुरंत जिसेल को आधी रात से पहले अपनी इच्छा को पूरा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक दुष्ट सौतेली माँ में उसका परिवर्तन स्थायी हो जाए। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जिसेल मायावी छड़ी का पता लगाने के लिए खोज शुरू करती है। इस बीच दृश्य मॉर्गन की चुनौतियों में परिवर्तित हो जाते हैं, जहां उसे शहर के भीतर समृद्ध लड़कियों से बदमाशी का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद आगामी त्योहार से मॉर्गन का उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे एक पोशाक के साथ आश्चर्यचकित करती है, जो नई आशा को प्रज्वलित करती है। त्योहार की तैयारियों के बीच मॉर्गन टाइसन के साथ रास्ते पार करती है, जो उसकी रुचि का विषय है। जैसे जैसे उनका संबंध खिलता है, गिजेले की अपनी सौतेली माँ के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ती हैं, जो परीक्षाओं के अशुभ पैटर्न को प्रतिध्वनित करती हैं। अपनी इच्छा को उलटने के लिए जिसेल बाजार में एक औषधि की खोज करती है। फिर भी उसकी आशंकाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वह टाइसन के साथ मॉर्गन की बढ़ती भागीदारी को देखती है। अपने दुर्भावनापूर्ण अहंकार के उभरने के डर से जिसेल की इच्छा को पूर्ववत करने की तात्कालिकता बढ़ जाती है। इस बीच रानी के नीचे के बच्चे उसे इच्छा की छड़ी देते हैं, लेकिन वह इसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए संघर्ष करती है। एक जादू के दर्पण से परामर्श करते हुए रानी को पता चलता है कि केवल एक सच्चा अंडलासियाई बेटा या बेटी ही छड़ी के जादू को चला सकता है। जिसेल के इतिहास को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, रानी छड़ी की निर्देश पुस्तिका में तल्लीन हो जाती है। घर पर तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि त्योहार के लिए मॉर्गन का उत्साह गिजेल की आंतरिक उथल पुथल से टकराता है। एक बढ़ता हुआ टकराव गिजेले द्वारा मॉर्गन को एक कमरे में बंद करने में समाप्त होता है, जिससे माँ और बेटी के बीच एक मार्मिक संघर्ष भड़क जाता है। सामने आ रही कहानी के बीच ध्यान रॉबर्ट की ओर जाता है, जो एक विशाल खतरे का सामना करने के लिए शहर में आता है, शांति के लिए खतरा पैदा करने वाला एक विशालकाय। रॉबर्ट बहादुरी से विशालकाय का सामना करता है, इस प्रक्रिया में एक युवा लड़की को बचाता है और एक सच्चे नायक के रूप में प्रशंसा अर्जित करता है। इस बीच मॉर्गन फटी हुई पोशाक पहनती है और एक खिड़की से बाहर निकल जाती है, लेकिन जिसेल उसे पकड़ लेती है। आंतरिक उथल पुथल के एक क्षण में मॉर्गन के परस्पर विरोधी पक्षों के बीच एक भयंकर संघर्ष होता है।
अपने बेहतर स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए लड़ते हुए वो मॉर्गन से अंडालसिया से मदद लेने का अनुरोध करने में कामयाब हो जाती है, जिसे छड़ी की चोरी के दौरान रानी के अंडरलिंग द्वारा छोड़ी गई एक झुमके को खोजने के लिए घर लौटती है। मॉर्गन की अनुपस्थिति में जिसेल की सौतेली माँ का व्यक्तित्व फीका पड़ जाता है, जिससे वो मालवीना के सिंहासन को हड़पने और नई रानी बनने की योजना तैयार करने के लिए प्रेरित होती है। जिसेल मालवीना का सामना कान की बाली से करती है, जिससे दो दुर्जेय महिलाओं के बीच एक चुनौती पैदा हो जाती है। उनकी रणनीति के हिस्से के रूप में पिप गुप्त रूप से मालवीना की गाड़ी के साथ जाता है। इस बीच अंडालसिया में मॉर्गन की उपस्थिति उसे एक कार्टून चरित्र में बदल देती है और वह राजकुमार और राजकुमारी की सलाह लेती है। जादू की क्रमिक कमी और अंडालसिया के संभावित उन्मूलन के बारे में सीखते हुए मॉर्गन ने गिसेल की इच्छा का विवरण साझा किया। आसन तबाही को महसूस करते हुए वे संतुलन बहाल करने के लिए गिसेल की यादों को ट्रिगर करने की योजना बनाते हैं। कुंजी स्मृति वृक्ष में निहित है। घटनाओं के एक अन्य मोड़ में रॉबर्ट एक टॉपसी टवी स्थिति में घर आता है। जिसेल अपने दुर्भावनापूर्ण पक्ष के आगे झुक गई है और त्योहार के लिए रवाना हो गई है। मॉर्गन के लिए चिंता से परेशान रॉबर्ट अचानक गाड़ी से उतरता है और उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही मॉर्गन स्मृति वृक्ष पर पहुंचती है, उसे एक खतरनाक दृश्य का सामना करना पड़ता है, एक सूखा निर्जीव पेड़। हालांकि जिसेल के साथ उसकी साझा यादों को प्रतिबिंबित करते हुए पेड़ को छूने से एक उल्लेखनीय कायाकल्प होता है, जो उनके संबंध की शक्ति का प्रतीक है। राजकुमार बताता है कि स्मृति वृक्ष मॉर्गन और गिसेल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मॉर्गन का काम गिसेल को ये याद रखने में मदद करना है कि वह कौन है जो चीजों को संतुलन में वापस लाएगा। राजकुमारी के प्रोत्साहन से मॉर्गन अच्छे समय को याद करने के लिए एक यात्रा शुरू करता है। राजकुमारी मॉर्गन को वास्तविक दुनिया में वापस ले जाती है, जबकि राजकुमार अंडालसिया की रक्षा के लिए पीछे रहता है। वास्तविक दुनिया में मॉर्गन अधिक आशावादी महसूस करता है और एक योजना के साथ आता है। वह अपने कमरे से स्मृति वृक्ष लेती है और उत्सव में जिसेल से बात करने का फैसला करती है। पिप गिलहरी रानी से छड़ी लेने का प्रबंधन करती है और इसे गिसेल को देती है। हाथ में छड़ी लेकर गिसेल मालवीना के साथ एक बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार होकर उत्सव में एक बड़ा प्रवेश करती है। जैसे जैसे आधी रात करीब आती है, शहर में अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। लेकिन जिसेल नहीं रुकती है और वह मालवीना के साथ एक मजेदार लड़ाई करती है, कुशलता से उसकी सभी चालों को अवरुद्ध करती है। अंडालसिया की राजकुमारी जिसेल तक पहुँचने के लिए रॉबर्ट की मदद मांगती है और उसे जिसेल की इच्छा के बारे में बताती है। वे एक साथ आते हैं जहां गिसेल है और मॉर्गन उसे स्मृति वृक्ष देता है। जिसेल बिना परवाह किए इसे फाड़ देती है, लेकिन फिर कागज के टुकड़े जादू में बदल जाते हैं और उसकी यादों और जागरूकता को वापस लाते हैं। स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो जाती है क्योंकि समूह गिसेल से उसकी इच्छा को रद्द करने के लिए कहता है, ताकि उस बड़ी समस्या को रोका जा सके जो अंडालसिया को बर्बाद कर सकती है। जैसे ही जिसेल अपनी इच्छा बदलने वाली है, मालवीना मॉर्गन को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर जिसेल उसे छड़ी देती है तो वो उसे जाने देगी। जब छड़ी टूटती है, मॉर्गन मुक्त हो जाता है, लेकिन जिसेल कमजोर हो जाता है। रॉबर्ट और टायसन टॉवर की घड़ी को आधी रात तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करते हुए ऊपर जाते हैं। गिसेल मॉर्गन से एक नई इच्छा बनाने के लिए टूटी हुई छड़ी का उपयोग करने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि जादू अभी भी है। वे देखते हैं कि मॉर्गन गिसेल की असली बेटी है और उसका एक विशेष संबंध है, इसलिए उनका मानना है कि वह छड़ी की शक्ति का उपयोग कर सकती है। मॉर्गन आत्मविश्वास हासिल करता है और स्पेल को रद्द कर देता है, जिससे सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। कथा का समापन जिसेल और मॉर्गन के सामंजस्यपूर्ण जीवन के एक दिल को छू लेने वाले दृश्य में होता है। प्रतिकूलता के माध्यम से उनका बंधन मजबूत होता है। जिसेल और मालवीना माफी का आदान प्रदान करते हैं और दिल से गले मिलते हैं, जिससे उनके बीच दोस्ती का एक नया बंधन बन जाता है। कहानी का समापन परिवार के लिए एक नई शुरुआत के साथ होता है, जो अपने नए शहर में एकता और खुशी की यात्रा शुरू करता है।